गुड मॉर्निंग, मैं केके शर्मा। आज मैं बात कर रहा हूँ इंडियन टीम की जो दो डिफीट हुई हैं इंग्लैंड में, उसके पीछे कारण क्या है और कैसे इंडियन टीम बाउंस बैक कर सकती है। देखिए, रवि शास्त्री जो इंडियन टीम के जो कोच है, चीफ कोच है, वो खुद बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस बैक एबिलिटीज रखे हुए क्रिकेटर रहे हैं और कोच हैं। मैं चूंकि उनके साथ में खेला हूं, मैं अगेंस्ट पाकिस्तान जो है 87-88 में जब पाकिस्तान आई थी इंडिया, तो उनकी कप्तानी में मैं खेल चुका हूं। मैं जानता हूं उनकी बॉडी लैंग्वेज को, मैं जानता हूं उनके गुण को, मैं जानता हूं उनके अंदर जो टीम को बांध के रखने की जो कला है, मैं जानता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी बचे हुए 3 टेस्ट मैचेस हैं उनमें इंडियन टीम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक करके दिखाएगी। और यही एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस कोच के लिए कि उसके पास जो टीम है वो बहुत ही गुणवान टीम है, बहुत ही बहादुर लड़कों से भरी हुई टीम है। अब उनके अंदर जो चीज़ कहीं ना कहीं सो गई, कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो लुप्त होने की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, वहां पर कोच की आवश्यकता है, वहां पर संभालने के लिए आवश्यकता है उस चीफ कोच की, रवि शास्त्री की। अकाउंटेबिलिटी सभी की फिक्स है, आंसर सबको देने हैं, जीतने पर अवार्ड मिलते हैं, हारने पे आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और चूंकि इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेटर्स किस प्रकार से ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं ये समझने वाली बात है। यह जिस प्रकार से बॉलिंग एंडरसन ने और स्टुअर्ट ब्रॉड ने की है, वो गेंदबाजी पिच को देखते हुए गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पर इस टेस्ट मैच में पर्टिकुलरली हम बात करें लॉर्ड्स टेस्ट मैच की, यह बॉल सीम हो रहा था, यहाँ उन्होंने गेंद को आगे की तरफ रखा और बाकी काम, काफ़ी काम जो है वो पिच सपोर्ट कर रही थी। बॉल का जो बिहेव था, बॉल जो अपनी दिशा बदल देती थी, वो बॉल पिच के कारण बदल रही थी। नो डाउट जो एबिलिटी जो लॉ के सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड के पास में है, जो एबिलिटी एंडरसन के पास में बॉल को स्विंग कराने की, वो उतनी पेस के साथ में एबिलिटी हमारे क्रिकेटर्स के पास में, हमारे सीमर्स के पास में नहीं है। शामी बोल्ड एक्सेप्शनली वेल, बट यू सी कंटिन्यूसली लगातार वहाँ उन एरियाज में गेंद को रख पाना उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत थी। मुझे यही लगता है कि जो पिच है वो बहुत बढ़िया तरीके से फास्ट बॉलर्स को उसने सपोर्ट किया और इंडियन टीम सीम होती हुई ट्रैक के ऊपर जो है वो खेलने में वो असफल रही। फील्डिंग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, वो उस तरह की फील्डिंग दिखाई नहीं दे रही है इंडियन टीम की, तो फील्डिंग कोच भी अकाउंटेबल है। श्रीधर खुद बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, खुद बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कोच हैं। ये ज़रूरी है कि आप देखें कि पिच जो है किस प्रकार से बिहेव करेगी और फील्डर कौन सी फील्ड प्लेसमेंट्स पे कौन से फील्डर्स को किस तरह की फील्डिंग प्रैक्टिस करानी है। अब एक बात और आती है, जो बैटिंग कोच है संजय मांगर जी, लाजवाब फाइटर रहे हैं अपने हेडेज में, बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और फील्ड बैटिंग की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं। बट एट द सेम टाइम जिस तरह का एग्रेशन टीम को दिखाना चाहिए था, जिस तरह से एग्रेसिव ओवर डिफेंसिव क्रिकेट खेली गई है, जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट दिखाई जानी चाहिए, देखिए यार टैक्टिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको थोड़ा सा आगे खड़ा होना होता है, एक फुट आगे खड़े होते हैं, बॉलर को अपनी लाइन चेंज करनी सॉरी अपनी लेंथ चेंज करनी पड़ती है और जब उसका दिमाग अपनी लेंथ के ऊपर जब चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पर इंडियन टीम की बैटिंग साइड ने उस प्रकार का नहीं किया। विराट कोहली आगे आके खेले, हेड को बहुत आगे लाके ले, उन्होंने उस तरह की एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, लेकिन बाकी क्रिकेटर्स ने ओवर डिफेंसिव क्रिकेट के लिए। ये बैटिंग की बात आती है, बात आती है बॉलिंग की। बॉलिंग कोच भरत अरुण है, भरत अरुण नॉलेज की जहाँ तक हम बात करें लाजवाब नॉलेज है उनके पास, बट वो नॉलेज जो है जो किताबी नॉलेज है वो प्रैक्टिकली वो ट्रांसफर होनी चाहिए, वो गेंदबाजों में ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन उस तरह का एग्रेसिव अनरिलेंटेड फास्ट बॉलिंग वो देखने को नहीं मिली। तो यह डिपेंड करता है, भरत और उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है किन एरियाज में बॉल को रखा जाना था, मैक्सिमम वहां पर चूक हुई है तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। भरत और उन खुद इंडिया खेले हैं और बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेले हैं और कमाल का उनके पास में कोचिंग का जो
जो थ्योरिकल जो नॉलेज है उनके पास कमाल की है, बट यहाँ बात आती है प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आती है, तो प्रैक्टिकली किस प्रकार से बॉल जब सीम हो रही है, स्विंग हो रही है, तो किन एरियाज में गेंद रखनी होती है, यहाँ एक जानने की बहुत आवश्यकता थी। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट्स की आवश्यकता है, एक बहुत ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है, उस बर्निंग डिज़ायर की आवश्यकता है जो इंडियन टीम को, जो जैसे बॉर्डर पे हमारे जो सेना के जो सिपाही रहते हैं वो जिस प्रकार से अपने कंट्री के लिए ऑल आउट रहते हैं, हर समय टोस पर रहते हैं, उसी प्रकार से इंडियन टीम को भी टोस पर रह के वापस अपने आप को रिकलेक्ट करके, वापस अपने आप को मोटिवेट करके, वापसी में तीन टेस्ट मैच बचे हैं, तीनों टेस्ट मैच आप जीत सकते हैं, आपके अंदर वो मादा है, आप जीत सकते हैं और आप जीत कर दिखा सकते हैं इंडियन टीम को, और वापस जो ग्लोरी अभी थोड़ी बहुत इफेक्टेड हुई है इंडियन टीम की, जो ICC रैंकिंग जो प्लेयर्स की इफेक्टेड हुई है वो वापस आप पा सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इंडियन टीम।